पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये दास्तां है हुमा सलीम कुरैशी की। ये मशहूर भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं। I have to tell an entire story and a journey of a character and make people move and believe that you know within 10-15 minutes. That's quite a huge challenge. जिनका जन्म हुआ 28 जुलाई सन 1986 में। इनके पिता सलीम कुरैशी एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट ओनर हैं। इनकी अम्मी अमीना कुरैशी एक कश्मीरी। इनके तीन भाई हैं, जिनमें से एक भाई साकिब सलीम भी एक्टर है। जरा नजर डालते हैं इनकी पढ़ाई लिखाई की तरफ तो पता चलता है इन्होंने हिस्ट्री की डिग्री ली दिल्ली विश्वविद्यालय से। शुरुआत में ये बतौर थिएटर एक्टर और मॉडल काम करती रही, और जब थिएटर में बात बनी तो इन्होंने सोचा क्यों ना मुंबई की तरफ रुख किया जाए। Well, this is a beginning and it's a good beginning. It's a very exciting beginning for all of us. गागी कॉलेज से हुमा कुरैशी ने अपनी डिग्री ली और फिर एनके शर्मा के एक्टपन थिएटर ग्रुप का ये हिस्सा बन गई। जब मुंबई की तरफ रुख किया तो थोड़ा बहुत संघर्ष तो इन्हें करना ही पड़ा। इन्होंने शुरुआत में बहुत सी एनजीओ के साथ काम किया और कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के साथ भी। The short film that I was a part of was directed by Shlok Sharma. सन 2008 में ये मुंबई आई एक फिल्म रही जंक्शन, जिसके लिए इन्होंने ऑडिशन दिया। हालांकि वो फिल्म कभी बनी नहीं। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ इनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये उनके टीवी एड्स के लिए साइन करी गई। इन्होंने बड़े बड़े स्टार्स के साथ भी एड्स किए, और एक मोबाइल कंपनी के एड शूट के दौरान इन पे नजर पड़ी जाने माने राइटर और डायरेक्टर अनुराग कश्यप की। I've been wanting to do that for a long time. I only push other people to do it. वो इनकी एक्टिंग से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने कह दिया कि हुमा तुम बहुत जल्द मेरी फिल्म की हीरोइन बनोगी। अनुराग कश्यप ने अपना वादा निभाया और अपनी कंपनी के लिए हुमा कुरैशी को 3 फिल्मों के लिए साइन कर लिया गया। अच्छा है ना, तीसरी फिल्म में डायन बनने को मिल रहा है। हालांकि ये बात भी सही है कि इनकी फिल्मों की शुरुआत होने वाली थी बिल्ला 2 से। ये एक तमिल गैंगस्टर थ्रिलर रही जिसे चक्री तोलेती ने बनाया। इन्हें बतौर हीरोइन चुन लिया गया था, पर चूंकि फिल्म डिले हो रही थी तो हुमा कुरैशी ने ये फिल्म छोड़ दी। अब देखिए वो मैं बोल नहीं सकती ना, वो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। फिर ये बनकर आई नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हीरोइन। उस फिल्म का हिस्सा बनी जिस फिल्म ने इतिहास रच दिया, बहुत सारे एक्टर्स की किस्मतें बदल दी। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर। हुमा कुरैशी का बड़ा ही स्वाभाविक अभिनय देखकर सभी ने इनके अभिनय की तारीफ की। I mean, we are new age actors. We are also fresh challenge. So the idea is to create कुछ नया तरीके का cinema, some new thoughts, some new films. Gangs of Wasseypur, एक थी डायन, माधुरी दीक्षित के साथ आई फिल्म डेढ़ इश्कियां, सभी में हुमा कुरैशी की तारीफ की गई। I mean, you tell me to work with Madhuri Dixit is amazing. How can be anything but that? No? She's an amazing co-star. ये तो सुपरस्टार रजनीकांत के साथ भी नजर आई। I loved it and I thought this is something an actor would love to do. और बहुत ही कम उम्र में हुमा कुरैशी ने वो मकाम हासिल किया है जो बहुत से अभिनेत्रियों के लिए हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। थैंक यू गाइस। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।